हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नायलोन मांझे से कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि एक लाइव वीडियो आपके सामने लाया जाए और आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक सेफ्टी का तरीका आपको बताया जाए। अगर आप आपके बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने दोस्तों अहबाब की हिफाजत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को खूब हर ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अभी लगातार तिल संक्रांत एक पावन त्यौहार चल रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व चाइना मांझे के जरिए से हमारी और आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे और आपके बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दो बच्चों के गले कट गए हैं चाइना मांझे से। उसी सिलसिले में हम लगातार एन एन टीवी के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं कि अगर आप लोग कोई भी ब्रिज, जैसा भी हम कमाई चौक के ब्रिज पर खड़े हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, कोई भी ब्रिज पर अगर आप टू व्हीलर से सवारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि मंजा कहीं से भी आ सकता है। चाइना का जो मांझा है वो आपकी जान लेने पर तुला हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही होगी दुकानों की, लेकिन जो टू व्हीलर से जो हमारे भाई हमारी बहनें सवारी करते हैं, ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर ये जो ब्रिज होते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो है वो तिल संक्रांत एक पावन त्यौहार को खुशी के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुछ गैर कानूनी तरीके से चाइना का मांझा या नायलोन का मांझा जो लोग बेच रहे हैं, उनकी वजह से ऐसे ब्रिजों पर लोगों के गले कट रहे हैं और बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप ब्रिजों पर 2 से 3 दिन जब तक पतंग का त्यौहार ख़त्म नहीं होता, आप ब्रिज पर धीरे गाड़ी चलाएं अपनी मेहरबानी करके, और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि पतंग का सीज़न शुरू है तो गाड़ियां जो है धीरे चलाएं, और ये समझ के चलाएं कि आपके सामने चाइना का मांझा कभी भी आ सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हर ब्रिज पर अपनी गाड़ियों को आप धीरे चलाएं, ताकि आपकी जान और माल की हिफाजत हो सके, और ख़ासकर वो लोग जो अपने टू व्हीलर में बच्चों को बिठाकर चलते हैं और उनके बच्चे सामने बैठे होते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो एक तो अवॉइड करें अपने बच्चों को सामने बिठाना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, मजबूरी है, तो अपने बच्चों को सामने बिठाए, तो ये समझ ले कि चाइना का मांझा आपकी गाड़ी पर कभी भी आ सकता है, उसकी हिफाजत आपको करना है। और अगर आपके अतराफ में कहीं पर भी चाइना का मांझा बिक रहा है, नाइलॉन का मांझा बिक रहा है, तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आप संपर्क करें। पुलिस लगातार नाइलॉन के मांझे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, चाइना के मांझे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की, हमने कल कुछ पुलिस वालों से भी बात की, तो उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने कहा कि हम उनको पकड़ते हैं और कोर्ट बआसानी से उन्हें बेल दे देता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई हाई कलम नहीं लगती है। तो इस पर भी चर्चा का विषय है कि भाई जो एडवोकेट हैं वो भी गौर करें, हमारे व्यूअर जो हैं और जो वीडियो ये देख रहे हैं, कि अगर इस पर कुछ कानून पर संशोधन अगर हो सकता है तो आप कोशिश करें कि इसके कानून पर आप संशोधन करवाएं। तो आप ये देखें, जो जब भी आप व्यूअर्स, आप वीडियो को बंद करेंगे, हम जब भी आप ब्रिज से टू व्हीलर से सफ़र करें तो केयर करें, क्योंकि चाइना का मांझा आपके गले में कभी भी फंस सकता है, इसलिए ध्यान से गाड़ी चलाएं, सतर्क रहें, और इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप हिंदुस्तान के कहीं कोई भी ब्रिज पर अगर चल रहे हैं व्यूअर्स, तो आप सतर्कता से चलें, क्योंकि चाइना मांझे की वजह से लोगों की जानों को लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, और आपके अतराफ में अगर कहीं पर भी चाइना का मांझा गलत तरीके से बिक रहा है, तो आप फौरन हमें कमेंट्स में बताएं, या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप संपर्क करें, या हमें वीडियो बना के भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9371257076। बने रहे एनएन टीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।